वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हम आज मॉन्ग्स मेथड पढ़ाने वाले हैं। मॉन्ग्स मेथड के स्टेटमेंट एक्चुअली में लिखेंगे, उसमें हमारा क्या होता है ना कि आर आर प्लस एस एस टी टी वी इस तरीके से फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मॉन्ग्स मेथड में। तो मॉन्ग्स मेथड कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मॉन्ग्स मेथड के थ्रू, वो हम लोग पूरा कम्प्लीटली जानने वाले। तो आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आप लोग पूरे अच्छे तरीके से सीख जाइएगा मॉन्ग्स मेथड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या होता है। ये एक्चुअली में क्या है, सेमेस्टर थ्री का है, ठीक है, पेपर सेवन। तो देखिए स्टेटमेंट एक्चुअली में है कि मॉन्ग्स मेथड मॉन्ग्स मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग, ठीक है, किस फॉर्मेशन में होती है। तो बोले ना आर आर मतलब कैपिटल आर रहेगा, फिर स्मॉल आर होगा, प्लस क्या होगा एस और स्मॉल एस होगा, फिर होगा टी स्मॉल टी इक्वल टू वी, दिस इज इक्वेशन वन, ठीक। ऐसे इक्वेशन वन का सिलेक्ट कर लेते हैं, मॉन्ग्स मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस वन, वेयर आर एस स्मॉल एस और ये स्मॉल टी, मतलब तीनों जो है स्मॉल आर एस टी जो होती हैव देयर ओन मीनिंग, अपनी अपनी इसकी मीनिंग होती है, हैव देयर ओन मीनिंग एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट कौन है, तो हमारे कैपिटल आर एस टी और वी वो हमारी कोफिशिएंट होती है, एंड द कोफिशिएंट आर एस टी एंड वी आर द फंक्शन, फंक्शन ऑफ किसकी, तो फंक्शन होती है हमारी पी क्यू एक्स वाई जेड की, ठीक है। जो हमारी कोफिशियंट होती है ये फंक्शन होती है पी क्यू एक्स वाई जेड की फंक्शन होती है, और जो आर एस टी जो होती है स्मॉल आर एस टी वो उसका कुछ अपना खुद का मीनिंग होता है, तो दिस इज द स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और सिंस पी एंड क्यू जो हमारी होती है पी एंड क्यू स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू लिखेंगे, ठीक है, पी एंड क्यू आर द फंक्शन फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल सारा बता चुके हैं, पता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दस वी गेट हमें क्या मिलेगा। देखिए पी क्यू जो होती है वो फंक्शन होती है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा एक्स और वाई होता है, मीन्स क्या कि एक्स वाई की वैल्यू हम खुद से चेंज कर सकते हैं बट जेड का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जेड का वैल्यू कैसे चेंज होगा, एक्स वाई के थ्रू चेंज होगा, ठीक है, तो वो आगे चल के पता चलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। बट इसकी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो तरीका पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में फर्स्ट लेक्चर जो होती है कोई भी चैप्टर की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हो जाता है क्या हमारा डी पी होता है, ठीक है, डी पी दिस इज इक्वल टू मतलब पी को हम लोग क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके एक्स और वाई के फॉर्मेशन में, मतलब हमारा क्या होगा डी पी दिस इज इक्वल टू होगा हमारा डेल पी बाई में हमारा होगा डेल एक्स और डी एक्स, ठीक, प्लस यहाँ पे हमारा डेल पी बाई में डेल वाई और डी वाई ये फॉर्मेशन देगा, ठीक। देन दिस इज डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मेशन है डेल पी बाई डेल एक्स इसे हम लोग कंसिडर करते हैं आर, ओके दिस इज आर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स प्लस ये डेल पी बाई में डेल वाई जो होती है वो हमारी होती है स्मॉल एस, ठीक है, और यहाँ पे डी वाई, ओके। देन तो हमारा यहाँ पे दैट इज करके लिखिए दैट इज, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये डी पी है माइनस ये टर्म्स उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एस डी वाई दिस इज इक्वल टू आर डी एक्स हो जाएगा, आर की वैल्यू देखिए निकल जाएगा आर इक्वल टू दिस वन डी एक्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख पाएंगे डी पी माइनस यहाँ पे हमारा एस डी वाई और बाई में यहाँ पे डी एक्स दिस वन डी एक्स, ठीक है, तो आर का वैल्यू निकल गया। तो आर का वैल्यू हमेशा यही होता है और हमेशा क्वेश्चन में आर का वैल्यू यही यूज होगा, ठीक है, क्या होगा यूज डी पी माइनस एस डी वाई बाई में डी एक्स हमेशा यूज होगा,
ठीक है। एंड उसके बाद टी की वैल्यू निकालते हैं, टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के फॉर्मेशन से, ठीक है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। क्योंकि देखिए डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, पता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है उसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, ठीक है। तो एंड करके लिखेंगे डी क्यू, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल क्यू बाई में हमारा डेल एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पे डेल क्यू बाई में यहाँ पे डेल वाई और डी वाई हो जाएगा, ठीक है। देन अब जो है देखिए डेल क्यू बाई में डेल एक्स, इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है एस, ठीक है, दैट इज करके लिखिए डी क्यू, दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होता है वो हमारी होती है एस डी एक्स प्लस यहाँ जो वैल्यू होती है डेल क्यू बाई में डेल वाई, ये हमारा फॉर्मेशन होता है टी और यहाँ पे डी वाई। अब टी का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो डी क्यू माइनस यहाँ पे एस डी एक्स दिस इज इक्वल टू टी डी वाई, देन टी का वैल्यू देखिए निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज क्या लिखिएगा, टी इक्वल टू डी क्यू माइनस यहाँ पे एस डी एक्स वाई में यहाँ पे डी वाई। ये फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ये आर की वैल्यू और टी की वैल्यू हमेशा आगे चल के बहुत यूज होने वाला है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या आर एंड टी इन द गिवन इक्वेशन, जो हमारा गिवन इक्वेशन इक्वेशन वन हम लोग कंसीडर कर लिए थे ना वो वाला टर्म्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जस्ट लाइक जो स्टेटमेंट इसकी थी तो वो कहाँ तक थी कि जो फंक्शन था पी क्यू, मतलब हमारा आर एस टी वी जो आर द फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड, वहां तक स्टेटमेंट प्रूफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सिंस पी एंड क्यू वाला टर्म से वहाँ से हमारा प्रूफ इसका स्टार्ट होता है, मतलब किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वो तरीका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन तो हमारा आर हो गया वैल्यू, यहाँ पे टी हो गया वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या आर एंड टी इन द गिवन इक्वेशन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे वी गेट, तो क्या मिलने वाला है हमारा, आर का वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है, आर आर है मतलब कैपिटल आर है और स्मॉल आर का वैल्यू है क्या है डी पी माइनस एस डी वाई, वाई में क्या है हमारा डी एक्स, ये टर्म्स प्लस हमारा कैपिटल एस है और एस स्मॉल एस की वैल्यू कहीं है नहीं, वो होता ही नहीं कहीं, टी टी और यहाँ स्मॉल टी का वैल्यू है डी क्यू माइनस एस डी एक्स वाई में हमारा क्या है डी वाई। एक्चुअली मैं इसके वैल्यू इस वजह से नहीं होता क्योंकि यहाँ पे भी एस यूज हो रहा है, यहाँ पे भी एस यूज हो रहा है, स्मॉल एस है, ठीक है, एस यूज हो रहा है तो यहाँ पे कहीं वैल्यू निकलेगी नहीं, दिस इज इक्वल टू वी, यही हो गया इक्वेशन वन में पुट आउट कर दिए तो यही टर्म्स आएगा हमारे पास। देन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जैसे डी एक्स एलसीएम होगा डी वाई एलसीएम होगा, पूरा कम्प्लीटली मैं हॉल एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आर डी पी होगा, यहाँ पे डी एक्स था, यहाँ से एलसीएम लेते हैं डी वाई हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो इसके हम क्या करते हैं नॉर्मल और अच्छे तरीके समझाते हैं, ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये आर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा स्मॉल एस और डी वाई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा डी एक्स है ये, ठीक है, एलसीएम में भी डी लेते हैं ये, ठीक है नॉर्मल। अब प्लस यहाँ पे हमारा एस है और स्मॉल एस, ठीक, और यहाँ पे हमारा देखिए टी डी क्यू माइनस यहाँ पे टी एस डी एक्स और यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में डी वाई दिस इज इक्वल टू वी, क्लियर, ठीक है। देन तो यहाँ पे अगर डी एक्स और डी वाई एलसीएम लेते हैं पूरा कम्प्लीटली हॉल एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा आर डी पी है तो यहाँ पे हमारा डी वाई मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेते हैं डी वाई होगा मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे हमारा आर एस डी वाई है और एक डी वाई और आ जाएगा, मतलब डी वाई का ये स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली डी वाई का स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, प्लस यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं एस और स्मॉल एस ही है, डी एक्स डी वाई कुछ है नहीं तो कम्प्लीटली पूरा यहाँ पे डी एक्स और डी वाई दोनों इसके साथ आएगा, प्लस यहाँ पे हमारा टी डी क्यू है और यहाँ पे डी वाई है डी एक्स नहीं है, दिस इज डी एक्स माइनस टी एस डी एक्स है और यहाँ पे डी एक्स एक और आ जाएगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए जो हम लोग एलसीएम लेते हैं डी एक्स डी वाई वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वी के साथ उधर चला जाएगा वी डी एक्स डी वाई वी डी एक्स डी वाई, देखिए इसीलिए हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखे, डिनोमिनेटर वाला डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे आ जाएगा, ठीक है समझ में आ रही है ना। देन देखिए अब क्या करेंगे वो टर्म्स को हम लोग इधर ले आते हैं तो वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, जैसे हमारा है आर d
डी पी डी वाई माइनस आर एस डी वाई का स्क्वायर प्लस एस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स प्लस माइनस टी एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वी डी एक्स डी वाई इस इज इक्वल टू जीरो। देखिए उधर वाले टर्म्स जो है हम इधर ले आए, लेफ्ट साइड लेके आ गए। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे ना, जो भी स्मॉल एस वाला टर्म्स है उसको अलग करेंगे और जिसमें स्मॉल वाला टर्म्स नहीं है उसको हम अलग लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि आर डी पी डी वाई ये टर्म्स रहेगा, एस इसमें है नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पे टी डी क्यू डी एक्स ये एक साथ रखेंगे, एस इसमें इसमें नहीं है, वी डी एक्स और डी वाई इसको एक साथ रखते हैं। ठीक है, और एस वाले स्मॉल एस वाले टर्म है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, और वो भी क्या माइनस में बाहर करते हैं, माइनस एस बाहर कर लेते हैं, माइनस एस बाहर किए तो क्या बचेगा हमारे पास, आर डी वाई का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस बाहर करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा हमारा, कैपिटल एस डी एक्स डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा है तो माइनस बाहर किया मतलब प्लस आ जाएगा टी डी एक्स का स्क्वायर, और कहीं है क्या, नहीं है। यही तीन टर्म्स, दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया। नाउ अब जो होती है इसकी मेन पर्पस इस मेथड की, मतलब इस फॉर्मेशन में जैसे ही आ गया देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये एक इक्वेशन बनेगा और ये एक हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जो कि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है। तो द मेन पर्पस ऑफ दिस मेथड इज टू फाइंड, क्या फाइंड करते हैं, वन और टू रिलेशन। ठीक है, एक या दो रिलेशन फाइंड आउट होती है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन होती है हमारी पी क्यू एक्स वाई जेड के बीच में। ठीक है, एक या एक से ज्यादा रिलेशन फाइंड आउट हो सकता है दोनों के बीच में, विच सेटिस्फाई सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज करे, इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमारी ये टर्म्स है क्या, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई, ये दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये इक्वेशन और एक हमारा ये इक्वेशन, तो आप इक्वेशन इससे पहले लिख सकते हैं या फिर इससे पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी को भी आगे पीछे लिखेंगे चलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, दिस वन एंड हम लिखेंगे आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई टी डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। इसे इक्वेशन आप कंसिडर कर लीजिए थ्री, दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन टू कंसिडर कीजिए, इसे इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन थ्री, दिस इज इक्वेशन फोर। ठीक है, तो इक्वेशन थ्री एंड फोर जो है वो आर नोन एज क्या है, मॉन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये माना क्या है, मॉन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसी को बोलता है मॉन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमेशा हर इक्वेशन में मॉन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, नाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने का दो मेथड आ जाता है, एक लैग्रांजेस मेथड हम बता चुके हैं कि लैग्रांजेस मेथड से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक लैग्रांजेस मेथड या फिर एक और टर्म्स आते हैं जिसमें डिफरेंट रहेगा तो वो हमारा इंटीग्रेबल हमारा निकलता है। ठीक है, इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकलता है। सॉरी, now to solve the auxiliary equation we have two cases, that is equation kya hai, ye equation 4 jo hai, that is equation 4 has distinct factor raha, matlab दो फैक्टर अलग अलग फैक्टर रहे और डिस्टिंक्ट फैक्टर हो सकता है या फिर और रिपीटेड फैक्टर हो सकता है। रिपीटेड मतलब समझ में आता है, मतलब सेम,
रिपीट कर जाए, ठीक है, या फिर अलग अलग कुछ हो। अलग अलग होगा तो एक दूसरा एक केसेस बनेगा, और रिपीट करेगा तो दूसरा केसेस बनेगा। तो केस वन पहले हम देख लेते हैं कि जिसमें अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, मतलब वैल्यूज अलग अलग आएंगे तो क्या होगा। केस वन, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेशन बहुत जरूरी हो जाती है। लेट आर डी वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है, ए वन डी वाई प्लस यहाँ पे बी वन डी एक्स, ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि ए टू डी वाई प्लस यहाँ पे बी टू डी एक्स, दूसरा फैक्टर दिया हुआ है। तो दो फैक्टर अगर इस तरीके से हो जाए ना, तो मतलब क्या हुआ कि वैल्यू जो आएगी वो दो वैल्यू आएगी, ठीक है, अलग अलग आएगी वैल्यू, दो वैल्यू आएगी। तो इन दिस केस केस वी हैव टू डिस्टिंक्ट सिस्टम, दो हमारे अलग अलग सिस्टम्स हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट। देन तो तब क्या करना चाहिए, डिफरेंट होगा तो देखिए, तो आएगा क्या हमारा ए वन डी वाई प्लस बी वन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फाइव। एंड फिर क्या होगा, ए टू डी वाई प्लस बी टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो, आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन सिक्स। तो दो अलग अलग हमारे फॉर्मेशन आ जाएगी। लेट द सिस्टम फाइव भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, तो इक्वेशन फाइव जो है वो हमारा इंटीग्रेबल हुआ, तो लेट यू इक्वल टू हम ए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, खुद से कंसिडर करते हैं। मान लेते वैल्यू हमारा आया है, एंड बी जो वैल्यू आया है वो हमारा बी आया है, बी द टू इंटीग्रल विच सेटिस्फाइड द सिस्टम फाइव को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर यू इक्वल टू ए पुट आउट करता है, वी इक्वल टू बी पुट आउट करते हैं तो, ठीक है, ये हम लोग खुद से माने हुए। तो देयरफॉर क्या होगा, u इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, v फॉर्मेशन देगा, v द फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वी गेट एन अनदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल, सिमिलरली हम मान लेते हैं कि दूसरा भी हमारे पास क्या आएगा, इंटरमीडिएट इंटीग्रल का किससे, इससे आएगा, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम सिस्टम सिक्स से, सिस्टम सिक्स से मिलेगा। नाउ तो जो हमारा इंटीग्रल ये इंटरमीडिएट आया ना, दोनों को सॉल्व कर देंगे, देन दिस इज द आंसर होगा, बट किसमें ये पुट आउट करनी होगी, ठीक है, वैल्यूज। तो नाउ बाय सॉल्विंग these two intermediate integral we get the values of p and q, definitely p and q ki hamare paas value nikal ke aa jayegi, hence on integrating karenge then dz equal to hoga पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट आउट करेंगे एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी गेट द सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिख दें वी गेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ये केस वन है, जब हमारा अलग अलग कुछ डिफरेंट दो सिस्टम हमारे पास आ जाएंगे तो, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट सिस्टम आएंगे तो, और अगर सेम आ गया तो, केवल एक ही आया सिस्टम तो तब क्या करेंगे, तो वो केस टू है जिसमें लैग्रांजियस मेथड में चल जाएगा, ठीक है।
पी बी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्मेशन में देन हम लोग वहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो वो भी हम बताएंगे ठीक है किस तरीके से सॉल्व होती है, एग्जाम्पल से बताएंगे। तो केस टू हमारा आता है, जैसे कि लेट मान लेते दिया हुआ है आर डी वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे एस डी एक्स डी वाई और प्लस टी डी एक्स स्क्वायर, इसमें दिया हुआ है क्या ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, इस तरीके से दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ मतलब रिपीट कर रहा है, देखिए दो बार लिखा हुआ है मतलब यही टर्म्स एक बार और लिखा हुआ है, तो स्क्वायरिंग लिखा हुआ है ठीक है। देन तो तब क्या करेंगे, तो लेट हम डायरेक्टली यू इक्वल टू ए मानते हैं एंड वी इक्वल टू बी आर दी टू इंटीग्रल इंटीग्रल विच सेटिस्फाई इस विच सेटिस्फाई द सिस्टम सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। तो ए डी एक्स प्लस बी डी वाई दिस इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर टू जीरो, दिस इज इक्वेशन सेवन कंसिडर कर लीजिए ठीक है। देन तो ये जो हमारी आती है लेट द सिस्टम जो सेवन है बी इंटीग्रेबल एंड लेट यू इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा बी एन इंटरमीडिएट इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इंटरमीडिएट इंटीग्रल हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, नाउ एक्सप्रेस इट ऑफ द फॉर्म क्या पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, मतलब क्या लेग्रांजेस की फॉर्मेशन में आ जाएगा ठीक है, लेग्रांजेस इक्वेशन। नाउ यू ऑल्सो लेग्रांजेस मेथड से सॉल्व करनी है, देन वी गेट द सॉल्यूशन। नाउ यूज वी यूज लेग्रांजेस method to get the general solution। तो इस तरीके से हमारे पास solution आ जाता है ठीक है। तो बस r का value और t का value हमारे पास पता होना चाहिए, r t का value वहाँ पे put out करेंगे, then उसके बाद हमारे पास आएगा कुछ equation जो कि Monk's auxiliary equation आएगा, then उसके बाद हम लोग वहाँ से सॉल्व करते जाएंगे ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया हो किस तरीके से करेंगे, जब एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है लेक्चर वन ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, दो मेथड होती है ओके। तो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन वहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे मॉन्क्स मेथड से।